पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज के एमडी विभाग के विभाध्यक्ष डॉक्टर संदीप लाल ने पूरे देश के साथ साथ बिहार और भागलपुर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण विकट रूप होने की बात करते हुए लोगों से पैनिक नहीं करने की बात कही, साथ ही लोगों से धैर्य रखने की बात करते हुए कहा है कि जिले के चिकित्सक इस संकट की घड़ी में रात दिन कार्य कर रहे हैं और कुछ लोग डॉक्टरों के द्वारा कार्य नहीं करने का जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। साथ ही रात दिन कार्य करने वाले चिकित्सकों का मनोबल बढ़ाने की भी बात एमडी के विभागाध्यक्ष ने कही है। समय में कोरोना महामारी भागलपुर में ही नहीं पूरे देश में एक विकट स्थिति पैदा की हुई है। यह वक्त धैर्य और संयम का है, न कि धैर्य खोने का है। आपके कष्ट को हम चिकित्सक समझ रहे हैं और रात दिन कार्यरत है। यह कहना कि चिकित्सक ड्यूटी पर नहीं जाते हैं यह गलत है। आप धैर्य रखें, चिकित्सक का मनोबल बढ़ावें। हम चिकित्सक कि अगर जरा भी कहीं कोई कमी है तो उस कमी को आप हमें बतावें, हम उन संबंधित शिकायतों को दूर करने के का पूरा प्रयास करेंगे। हम लोग आईएमए के द्वारा फ़ोन नंबर जारी किया है, हमारे बहुत सारे सदस्य फ़ोन कॉल पर लोगों को मुफ्त सलाह दे रहे हैं। फ़ोन करने का एक समय सीमा दिया गया है, कृपया आपसे अनुरोध है कि उस समय सीमा पर ही आप फ़ोन करें। अगर समय सीमा पर फोन नहीं किया करेंगे तो चिकित्सक भी मानव है, उनका भी कुछ व्यक्तिगत कार्य रहता है। उस कार्य के कारण अगर आपका फोन नहीं उठाए तो समाज में यह भ्रम फैलाना कि चिकित्सक फोन नहीं उठाता है। आप खुद अपने जीवन में झांकें कि आप कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं, किस वक्त पूछ रहे हैं। हम तत्पर हैं, मुफ्त में आपको सलाह देने के लिए तत्पर हैं। हमारे सारे लोग लगे हुए हैं। इस वक्त धैर्य रखें, चिकित्सकों का मनोबल बढ़ावें और यह भ्रम में नहीं रहे कि चिकित्सक ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। एकमात्र चिकित्सक है जिसका पिछले एक साल से छुट्टी कैंसिल है। लोग अपने पारिवारिक कार्य को छोड़ के आपके सेवा में लगे हुए हैं। बहुत सारे विभाग है जहाँ की छुट्टी मनाई जा रही है, जहाँ एक चौथाई लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत ऐसा विभाग है न्यायालय तक बंद हो गया है, केवल अस्पताल है जहाँ के चिकित्सक खतरा से खेल रहे हैं। तो आप मनोबल नहीं बढ़ा रहे हैं, आप मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हो सकता है कहीं आपकी कुछ शिकायत वाजिब भी होगी, हम इसे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग काम करते ही नहीं। यह अवधारणा तोड़ें, घर रखें। हम चिकित्सक आपके ही भाई हैं, आपस में सहयोग करें, हम मिलके इस विषम परिस्थिति से उभरने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। जिस तरह बारात में भीड़ देखी जाए, बारात में भीड़ देखा जाए सरासर गलत है, सरकार के नियमों का निर्देशों का उल्लंघन है। आप खुद सोचिए ना, आप मास्क लगाते हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और उसके बाद आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लाउड स्पीकर बजा रहे हैं। ये तो यही हुआ है कि शोक में जश्न मनाना। आप जिस गली से नाचते हुए जा रहे हैं उस घर में एक मौत हुई है, वहां लोग रो रहे हैं और आप बाद में बाहर में बाजा बजा रहे हैं रोड पर। आप खुद सोचिए कि अगर आप मनुष्य हैं तो मनुष्य हैं तो कितनी गलत काम कर रहे हैं। आप किसी के वक्त को जाया कर रहे हैं। आप परिस्थिति को समझिए, हर मोहल्ले में दो चार मौत हो रही है, लोग गमगीन हैं और आप लाउड स्पीकर और डीजे बजा के नाचते हुए शादी कर रहे हैं, गलत चीज है, इसे रोकिए। आप अपने लिए, परिवार के लिए नहीं समाज के लिए भी अपराध कर रहे हैं। ऑक्सीजन संदेह, ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन ऑक्सीजन की इतनी कमी नहीं है जितना कि बताया जा रहा है। हम समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑक्सीजन का होर्डिंग कर रहे हैं, बिना चिकित्सक के परामर्श के ऑक्सीजन सिलेंडर घर में जमा करके रख लिए हैं। दो चार सिलेंडर का इंतजाम करके लोग मस्त हैं कि हम ऑक्सीजन का इंतजाम कर लिया, हमको कुछ नहीं होगा। इस अवधारणा से अपने आप को उबारिए। आप सभ्य समाज के अंग हैं, इस तरह का कृत जो पीड़ित है उसके लिए जानलेवा हो रहा है। लोग आगे बढ़ के ऑक्सीजन दान कर रहे हैं और आप ऑक्सीजन को जमा कर रहे हैं बिना चिकित्सक के परामर्श के। या आप खुद सोचिए कि आप ये गलत कार्य कर रहे हैं। यार बिना चिकित्सक के परामर्श का ऑक्सीजन न जमा करें। ऑक्सीजन जो है जब चिकित्सक बोले तभी निकाला जाए। साथ ही आप समय पर चिकित्सक से परामर्श लें, उनके कहे निर्देशों का पालन करें, सरकार के बताए निर्देशों का उल्लंघन न करें और हम चिकित्सकों का मनोबल बढ़ाते हुए इस महामारी, इस त्रासदी को खत्म करने के लिए आइए आगे बढ़े। हम सब समय पर यदि अस्पताल पहुंचे तो स्वस्थ होगा। 85% कोरोना का महामारी स्वतः ठीक हो जाती है।
आप सावधान रहें, सतर्क रहें, चिकित्सक के संपर्क में रहें, ये बीमारी खत्म हो जाएगी बहुत कम।